हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए खोया काजू की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये इतनी डिलीशियस और रिच रेसिपी है जो टेस्ट में भी इतनी ही बढ़िया है, तो चलिए बनाते हैं। तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने मगज़ तरी के बीज लिए हुए हैं 1 चम्मच, फिर उसमें काजू डालेंगे 5 से 6 नंग, उसको भिगोएंगे 30 मिनट के लिए। अब हम उसमें खसखस भी ऐड करेंगे, हम उसकी स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। हमें कोया काजू में व्हाइट ग्रेवी बनानी है, इसलिए हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली है, उसकी भी पेस्ट बना लेंगे। अब हमने खड़ा मसाला लिया हुआ है, लौंग, इलायची, मरी और सिनेमन, उसको रोस्ट करेंगे अच्छे से। जीरा भी लिया हुआ है। वो अच्छे से रोस्ट हो जाए फिर हम उसका पाउडर बनाएंगे। और ये हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसका भी पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पैन में तेल लिया हुआ है 1.5 चम्मच, उसमें हम बटर डालेंगे 1 चम्मच, ताकि बटर हमारा जले नहीं, इसलिए हम पहले हम उसमें तेल डालते हैं। अब हम उसमें काजू को रोस्ट करेंगे अच्छे से, ब्राउन कलर आ जाए फिर हम उसको एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर आया है। अब हम उसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने जो खसखस और काजू की पेस्ट बनाई थी वो है, ये प्याज की पेस्ट है, गरम मसाला और जो रोस्ट किया हुआ था खड़ा मसाला उसका पाउडर, अदरक लहसुन की पेस्ट और ये क्रीम है जो घर पर ही बनाई थी, और ये खोया है जो हमने ग्रेट किया हुआ है, ये और ये कसूरी मेथी है। तो चलो हम ग्रेवी बनाते हैं। हमने जो काजू को रोस्ट किया था वही पैन में हम ग्रेवी बनाएंगे। इसके लिए हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो पहले डालेंगे, उसको अच्छे से भून लेंगे। फिर हम उसमें प्याज की पेस्ट डालेंगे, उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसमें से तेल जब छूटने लगे तब हम उसमें खसखस, काजू और मगज़ तरी के बीज की जो पेस्ट बनाई थी वो डालेंगे। हमारी व्हाइट ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। अब हम उसमें जो खड़ा मसाला बनाया था वो और गरम मसाला डाला नमक टेस्ट मुजब, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें जो खोया था मावा ग्रेट किया हुआ वो भी डाल देंगे। और थोड़ा सा दूध भी डाला है। अब हमने उसमें काजू डाले हैं जो हमने फ्राई किए थे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने कसूरी मेथी ली है, उसको हथेली में मसल मसल के डालेंगे ताकि हम उसकी खुशबू अच्छे से आए कसूरी मेथी की। हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है कोया काजू की। अब हम उसमें क्रीम डालेंगे और 1 चम्मच शुगर डालेंगे। ये थोड़ा स्वीट सब्जी अच्छा लगता है।
हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है खोया काजू की। अब हम उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो हमने गार्निश के लिए काजू तले थे उसको इस तरह से गार्निश करेंगे। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया है। अब हम उसको क्रीम से गार्निश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय, आप भी ज़रूर ट्राई करना। बाय।